संसार में रामय केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। भगवान को प्रेम प्रिय है और जो प्रेम करता है, अग जग में सब रहित बरागी और प्रेमत प्रभु प्रगट है जे में आगे। संसार में प्रेम तो सभी को प्रिय है, लेकिन प्रेम निस्वार्थ हो, प्रेम निस्वार्थ हो, अगर प्रेम में स्वार्थ आ गया तो प्रेम सब गड़बड़ हो जाता है। अपने गृहस्थी जीवन में जिस आश्रम में हो उसी आश्रम में आपकी श्रद्धा सही हो, सात्विक हो, भगवान के प्रति निष्ठा हो, ईमानदारी से अपना कर्तव्य का पालन करो। ये जरूरी नहीं कि महात्मा बन करके ही तब भजन होता है, भजन गृहस्थी में भी होता है, कल्याण गृहस्थी में भी होता है। अगर कल्याण का काम करोगे तो गृहस्थी में भी होगा, कल्याण का काम नहीं करोगे तो महात्मा बन करके भी नहीं होगा। बन के गए से क्या हुआ, मन से गया न राग और त्याग वासना के किए घर ही में बैराग गया। अगर जंगल में चले गए और मन से राग नहीं गया तो जंगल जाने से क्या फायदा हुआ, और मन में से राग चला गया तो बस घर ही में बैराग गया। योग भोग में राखे गोई, राम बिलोकट प्रगटत सोई, स्वयं महाराज जनक जैसे आत्म ज्ञानी विधेय, जिन्होंने जिनको स्वयं सुखदेव जी ने अपना गुरु बनाया, राजा जनक को गृहस्थी आश्रम में। महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु गृहस्थी आश्रम में क्या नियम संयम कहीं भी कर लो, ऐसा कोई है जो भगवान का बहुत बड़ा प्रिय हो? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं हाँ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन श्री सुखोवाच, कृष्णस्यासीत् सखा काश्चिदं ब्राह्मणो ब्रह्मभिक्तमः, विरक्त इन्द्रियार्ते प्रशान्तात्मजितेन्द्रिय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन एक तो मैं इतिहास सुनाते हैं, वो आप सुने। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परम भागवत राजा परीक्षित, कोई एक ब्राह्मण ब्रह्म के जानने वालों में उत्तम, विषयों में वैराग्यवान और शांत मन जितेंद्रिय श्री कृष्ण चंद्र का मित्र था। पहले कहा था विषयों में वैराग्यवान, जिसका विषयों से विराग हो जाए, शांत मन और जितेंद्रिय, जिसका मन शांत हो और जो जितेंद्रिय हो। गीता में कहा गया है, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित, ज्ञान अग्नि दग्ध परमाणु तमाओ पंडितं बुधः। जिसके सभी कामनाएं समाप्त तो हो गई हो, वैराग्य हो गया हो, संकल्प विकल्प सबके समा शांत तो हो गए हो, जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो गए हो,
ज्ञानादि दग्ध कर मारो तमाहो पंडितम बुदा। ऐसे व्यक्ति को विद्वान पंडित कहते हैं। वो भागवत में ये लिखा है, जिसका विषयों से वैराग्य हो गया हो, जिसका मन शांत हो गया हो, जो जितेंद्रिय हो, अगर शांत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो शास्त्र कहता है असंतुष्टा ध्वजा नष्टा संतुष्टा से मही बुदा। जिसके मन में संतोष नहीं है वो ब्राह्मण नहीं होता। अनेकों नदियां निरंतर बहती चली जाती हैं। तुम्हारी कथा रूपी श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सखा हैं। तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा कहते थे कि कृष्ण मेरा मित्र है, तो सुशीला ने कहा प्रभु जब तुम्हारे द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र ही हैं, तो फिर उनके पास चले जाओ, दर्शन कर आओ। प्रभु भगवान की भक्ति से, भगवान के दर्शनों से ही अपना कल्याण हो जाएगा, अपना समय बदल जाएगा। विप्र सुदामा बसत है सदा यापने धाम, सेवा सो प्रीत। बस उन्हें भी पति की सेवा से काम है। बस सुशील लज्जावान, बड़ी शील स्वभाव, सुबुद्धि। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारो मित्र, करत रहत उपदेश त्रिय ऐसो परम विचित्र। सुदामा ने कहा हे सुशील, हमारे कृष्ण हमारे मित्र बड़े बहुत अच्छे थे। तब सुशीला कहती है प्रभु तो फिर तो ब्राह्मण है, उनके पास चले जाए, वो दानी है, वो दाता है, वो ब्राह्मण भक्त है, वो अपने कुछ न कुछ तो मदद करे, आप उनके पास चले जाए। आप ब्राह्मण के नाते नहीं तो केवल भक्त के नाते चले जाए। सुदामा कहने लगे हे देवी, शास्त्र कहता है विपत्ति पड़े मित्र के रह जाइए, विपत्ति के समय मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपनी विपत्ति को देख करके मित्र भी दुखी हो जाएगा, उसे क्यों दुखी करना चाहिए। सुशीला बार बार कहती है, तब सुदामा कहते हैं हे देवी, शिक्षक हो सवर जग पोत्रिय कोई कहा तू देवते से चा। हे देवी मैं संसार को शिक्षा देने वाला हूं, तू मुझे क्या शिक्षा दे, ब्राह्मण का काम ही है दूसरों को ज्ञान देना। शिक्षक हो सबरे जग को प्रिय मोये कहा तुम देवते से चा, यही तपते त्रय लोग सुधारत स
संपत कीरत की नहीं इच्छा, संपत कीरत की नहीं इच्छा। मेरे ही ये हर के पद पंकज, 12,000 लदे के परीक्षा, और को धन चाहिए बाबरे, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और को धन चाहिए बाबरे, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। हे देवी, धन तो औरों को चाहिए, ब्राह्मण को नहीं। ब्राह्मण को धन की आवश्यकता नहीं रहती, भरोसा नहीं रहता, अपनी भर्चा व्रति पर नहीं रहता, वो ब्राह्मणत्व का पालन नहीं कर पाता। आज देखो कई एक कथा का मूल भाव करते हैं, ठेका करते हैं, इतना लेंगे उतना लेंगे, फिर कहो कि हम ब्राह्मण हैं। लाखों में आते हैं, पहले अपने खाते में जमा करवा लेते हैं, जमा करते हैं। तब आएगा बेचहि बेद धर्म दोहिलहि, ओ बेचहि धर्म, ओ बेचहि बेद धर्म दोहिलहि, बेचहि बेद धर्म दोहिलहि, ओ बेचहि बेद धर्म दोहिलहि। सुन पराए पाप कहे दे, सुन पराए पाप कहे दे। ज्ञान को बेचना, वेदों को बेचना, मैं सब जानती हूं, परंतु हम और तुमन तक बात सीमित होती, मैं कुछ नहीं कहती, परंतु मेरे बच्चे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, भिक्षा की तो बात अलग है। कहने लगे कोदास, जो कोदा होता है समान, कोदा सब आजूरा तो भारी पेट, न चाहती हो दी दूध मिटोती, शीत व्यरीत भयो से आतई, हो हटती पे तुम्हें न हटोती, जो जानती नहीं तुहारी सो तुम्हें, काहे को द्वारिका पेले पटोती, जागर से न गयो कब हूँ पिया, टूटो तबायो रूपी कटोती, जागर से न गयो कब हूँ पिया, टूटो तवा और फूटी कठोती। महाराज, अरे पेट भरवे को समाऊ बन जातो ना महाराज, कोधा सवा जोर तो भर पेट, न चाहत हो दद दूध मिटौती, मैं दूध दही मिठाई नहीं चाहती महाराज, कम से कम पेट भरने को कुछ थोड़ा बहुत तो मिल जाता, समा भी मिल जाता महाराज, सब समय वैसे ही निकल जाता है, शीत व्यतीत भयो से आता ही, गर्मी में कैसी गर्मी रहती है, सर्दियों में कितनी सर्दी पड़ती है, और सिसकते सिसकते ही निकल जाता है, सब वैसे ही निकल जाता है महाराज। और फिर मैं ये नहीं जानती कि द्वारकाधीश आपके हेतु हैं, आपके मित्र हैं, तो मैं आपसे नहीं कहती महाराज, आप चले जाए, भगवान के दर्शन के लिए चले जाए, उनसे मिलने के लिए चले जाए। सुदामा कहने लगे सुशीला तुझे क्या लगता है, चारी सब जगत हो ही लगी गक, आठ या मैं यही जग ठानी, जाता दे लदाए लड़ा भरी, लइए लदाए यही जी जानी, पावे कहाँ से अठारी अठा,
जिनके भी दीदी नी है टूटी सी छानी तो पे दरिद्र लिखो है ललाट पे काहू पे जा बैठी न जाते जानो। तो मैं क्या लगता है कि मैं जाऊं और फिर जाता ही माया को खच्चर लदा देंगे ऊंट भर भर के लदा देंगे और मैं लेके चलो आऊं और वो तो दे दो ले। हे देवी जिसके भाग्य में ये दरिद्रता लिखी है उसको कौन कैसे समझता है, जिसके कर्म में जो लिखा है उसको भुगतना चाहिए। तो मन ने तो केवल एक ही बात मन में चले जाओ द्वारिका जाओ जी द्वारिका जाओ जी आट हुआ मैं यही जग तेरे जो न कहो करियो तो बड़ो दुख जइयो कहाँ अपनी बतेरे। द्वार खड़े प्रभु के छरिया तहा भूपते जान न पावत ने रे पान सुपारी से देखे बेचारे के भेट पोचारे न चावल मेरे। तुझे ये लगता है सदैव द्वारका चले जा द्वारका चले जा। मैं द्वारका नहीं जाने वाला नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। तब तक कहा गया है एक उनका मित्र था सुदामा का चक्रधर पालकी में बैठ करके और राजा की सभा के लिए जा रहा था। चक्रधर ने देखा सुदामा पालकी से उतरा और सुदामा ने देखा मित्र तुम हाँ। चक्रधर ने कहा सुदामा जी कैसी तेरी दशा हो रही है। सुदामा ने कहा मित्र तुम्हारे तो बड़ी ठाट बातें हैं देखो शरीर पर रेशमी परिधान रेशमी वस्त्र पहने हुए तुम्हारे तो बड़े ठाट है। चक्रधर ने कहा सुदामा मैं उस राजा के पास जाता हूँ उस राजा का गुणगान करता हूँ हाँ ये राजा लोग हैं इनकी थोड़ी सी नेक प्रशंसा कर दो वो धन की वर्षा कर देते हैं। जो असुर स्वभाव के होते हैं जो कुमार भी होते हैं उनकी थोड़ी प्रशंसा तो कर दो अरे वो एकदम तुम्हारे ही हो जाते हैं। ओ जी तेरी कैसी दरिद्रता ये क्या हो रहा है चल मेरे साथ में तू तो मुझसे भी बड़ा विद्वान है हाँ राजा की कृपा हो जाए तेरी सब दरिद्रता एक क्षण में दूर हो जाएगी। सुदामा ने कहा मित्र मैं भगवान का भक्त हूँ मैं सिवाय अपने गोविंद के ही गुण गाऊंगा और किसी राजा के गुण नहीं गाऊंगा। तूने अपनी आत्मा को उस राजा को राजमहल में गर्मी रख दिया बेच दिया तू एक उस राजा के गुणगान करता है जिसमें जो गुण है ही नहीं। चक्रधर कहने लगा सुदामा वो गया जमाना सतयुग का सत्यवादी धर्म कर्म के मार्ग पे चलते हैं हा? आज जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं वही दुखी है। अरे अपना काम बनाओ थोड़ी प्रशंसा करो राजा महाराजों की अपना काम बनाओ। चक्रधर ने कहा सुदामा ने कहा नहीं अपने काम के लिए हम किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करते हम ब्राह्मण हैं अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट नहीं करेंगे हम गुण गाएंगे तो सिर्फ गोविंद के गाएंगे संसारियों के गुण नहीं गाएंगे। और उसने बहुत समझ आया सुशीला से कहा आप इन्हें भेज दें सुदामा को ले गए। थोड़ा कीर्तन करना भैया अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
मदरा में धोत सुदामा से कहा तुम भी इनका जगत में गुजारा नहीं है, नहीं है जगत में गुजारा नहीं है। चले इस नगर
कष्ट हर लेंगे वो मुरली वाले, कष्ट हर लेंगे वो मुरली वाले, इस जगत में वो चारा नहीं है, नहीं है इस जगत में वो चारा नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब सुदामा से कहा सुदामा जाने को तैयार हुए, यह सुन के तब ब्राह्मणी गई परोसिन पास, पाव से रचावल लिए आही सहे तहुलास। कहा देवी मेरे पास कुछ देने के लिए भेंट भी नहीं है। सुशीला परोस में जाती है और कहती है, अरियो बहना हमारे स्वामी द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, कुछ चावल मिल जाते भेंट के लिए तो अच्छा होता। परोसिन ने दे दिया, और द्वारकाधीश के लिए जा रहे हैं तो लो ले जाओ। एक कपड़े की गांठ में बांध करके उनकी कमर में लटका दिया और कहा, हे प्रभु आप जाए भगवान से मिलने के लिए जाए। सुदामा ने अपने पत्नी को अपने बच्चों को भगवान द्वारकाधीश ठाकुर जी के मंदिर में ले गए और मंदिर में जाकर के कहा, हे गोविंद मैं अपने बच्चों को अपनी पत्नियों को तुम्हें सौंप करके मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तब तक मैं नहीं आऊंगा, तब तक इनकी व्यवस्था को आप देखना, आप रखना। ये सौंप करके और सुदामा भगवान श्याम सुंदर की और द्वारकापुरी को जाते हैं और तोरो जलपान कर लो, टाइम हो गया। मेरी बकरियों को देखना, तो मैं अभी जल्दी आता हूँ। महात्मा ने तो अपने आराम से बैठे, उन्होंने कोई नहीं सुना। और थोड़ी देर में भोजन प्रसादी पा करके आ गया। उस बकरी चराने वाले ने विचार किया कि जी महात्माओं ने मेरी बकरी चराई है तो इनको कुछ देना चाहिए। फिर विचार करने लगा कि इन्होंने थोड़ी देर ही तो चराई है, हाँ बस आध घंटा 10-20 मिनट ही चराई है, तो इनको क्या देना चाहिए। एक लंगड़ी छेई थी, भाई पकड़ के ले आए के बाद लंगड़ी छेई दे दो, वो छेई पकड़ के लाओ। और महात्मा से कहा, महाराज जब छेई ले जाओ तुम, जय देवो तुम्हें जो छेई चराई है ना, तो जो छेई है तुम्हें दे। वो महात्मा कहने लगे, ओ भैया जाको पाओ हमने ना तोड़ो। महात्मा समझ रहे कि जी चाहिए पकड़ के लावे जी लंगड़ाई रही है, जो न्यो कह रहे हो कि जाको पाओ तो मन ना तोड़ो। महात्मा कह रहे कि हम भी तो गए हूं ना, बाको पाए हमने ना तोड़ो। अब चाहिए बाप कह रहे कि मैं जा लंगड़ी ये देंगू सही ना दे तो। वो सोच रहे हो कि बाबा न्यो कह रहे हैं कि यार लंगड़ी ना ले तो हम तो सही लेंगे सही। वो न्यो करो सही ना दे तो मैं जा लंगड़ी ये देंगू। और महात्मा न्यो सोच रहे कि जी न्यो कह रहे हो कि जाको पाँव तुम्हें ना टूटो है, भी न्यो करे हमने ना जाको पाँव टूटो। अपनी अपनी में लगे दोनों, अपनी अपनी में लगे। वो कह रहे हो कि यार लंगड़ी चाहिए देंगे सही नहीं देंगे, और वे कह रहे हैं कि जाको पाओ हमारे ना टूरो भैया हम भी तो गए। तो सब अपनी अपनी में लगे। देखा तो वो कब की सोने है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा भगवान को सौंप कर अपनी पत्नी और बच्चों को भगवान के सड़ जाते हैं। सुदामा वहां से चलती है, गर्मी का समय था, नंगे पैर जा रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा, स्वामी सुदामा बिंदापुरी से यहां तक बहुत समय लगेगा, अकेले कैसे आएंगे। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर भक्त मेरी ओर को एक कदम बढ़ाता है ना, मैं अपने भक्त के लिए हजारों कदम बढ़ाता हूँ।
मैं जाता हूँ उनका समय पास करके, मैं लाता हूँ उनको, वो मुरली मनोहर के वेश में दूसरा रूप धारण करके सुदामा के पास आते हैं। सुदामा धीरे धीरे गिरते फिरते गिरते, सुदामा ने कहा अपनी विपत्ति को किसी को देना नहीं चाहिए, उचित नहीं होता। उन्होंने कहा मैं तो लूंगा जबरदस्ती, कहा ये भी तो हमारा धर्म बनता है किसी की आपत्ति को उतारना, किसी की दर्दता को हटाना, किसी को सुख दुख को हटा करके सुखी करना। हमारा काम जैसे नाव में बैठा करके नदी को पार करना है, ऐसे ही हमारा तो काम संसार से ही पार करना करने का है। उनकी दरिद्रता को ले लिया, आगे गए, समय सूर्यास्त हुआ और कहा मुरली मनोहर अब सूर्यास्त होने को जा रहा है, कहीं गांव तलाश लो, रुकना है। उन्होंने भगवान ने अपनी योग माया से जंगल में एक बहुत बड़ा अच्छा रमणीक स्थान, अपनी मूर्ति वहां, अच्छा पानी चल रहा है, झरना बह रहा है, वहां कहा ब्राह्मण देवता देखो सामने वो मंदिर है, चलो वहां रुकेंगे आराम से। वहां ले गए सुदामा को, वहां लेकर के गए, उन्होंने हाथ पैर धोए, स्नान ध्यान किया और कहा आप भगवान का भजन करो, संध्या वंदन करना है। तब सुदामा भगवान का गुणगान करते थे और मुरली मनोहर उनको भ्रमित करते थे, कहने लगे भक्त सुदामा सच्चे मन से हर गुण गान करे, राम कृष्ण गाए मेरे मनुआ नैया पार लगे, रामा हो मति को भ्रमित करते हैं और वो अपना अलग गाना गाते हैं। वो क्या गाते हैं? तुम तो रही ससुराल घर को हमको भेज दिया, तुम तो रही ससुराल घर हमको भेज दिया, मरेंगे भूखे प्यास तुमने हमको विदा किया, पल पल याद तुम्हारी आए जाए ना, पल पल याद तुम्हारी आए जाए ना, छोड़े आपको और कोई मन भाए ना, छोड़े आपको और कोई मन भाए ना, रामा हो
याद में तेरी हम बोल दिया आए ना भोजन भाए ना और किसी के हाथ का भोजन भाए ना ओ रामा हो ओ रामा हो ओ रामा हो सुदामा कहने लगे मैं मस्त लगी हूँ। मुरली मनोहर कहने लगे ब्राह्मण देवता तुम जैसे ब्राह्मण के भक्त हो ना तुम्हें अपन तुम भगवान के भक्त हो ना मैं अपनी लक्ष्मी का भक्त हूँ तुम्हें अपने भगवान की यादें आती है मुझे अपनी लक्ष्मी की यादें आती है हाँ मेरा तो अपनी लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं तुम्हारे जैसे भगवान तुम अपने भगवान की भक्ति में मस्त रहो मैं अपनी भक्ति में मस्त रहूं जब तुम्हारे भजन करने से मेरी भक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ रहा तो मेरी भक्ति से तुम्हारी भक्ति में क्यों अंतर पड़ेगा तुम अपना करो मैं अपना करूंगा। ब्राह्मण देवता बोले मुरली मनोहर संसार में भगवान का गुणगान करना चाहिए ये तो विषयी जीवों का है कभी विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए हाँ आओ भगवान का भजन करें गुणगान करें संसार में सिवा ईश्वर के नाम की और कुछ नहीं है संसार में विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है उसी की योनि में चला जाता है तो स्त्री का चिंतन करेगा तो स्त्री बन जाएगा। मुरली मनोहर बोला ब्राह्मण देवता मैं तो स्त्री बन चुका हूं हाँ मैं तो जब जरूरत पड़ती वैसा बन जाता परंतु अपना सोचो अपनी भक्ति में बाधा मत आने दो। सुदामा ने कहा तू ठीक है चलो भगवान का गुणगान करो संसार का चिंतन छोड़ो धनवान बन जाएंगे हाँ क्यों कि संसार में भगवान का नाम ही एक अमृत है और अमृत रूपी नाम को पीना चाहिए संसार का विषय का तो ये विषय है कहा गया अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में इस छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना 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 ओ अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत से छोड़ से रस पीना क्या हरि छोड़ विषय से पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ भूले काल सदा अपने Thank you.
जगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या भगवान के गुणगान में सुदामा ने कहा मुरली मनोहर हरि नाम नहीं तो जीना क्या। संसार का चिंतन छोड़ो, भगवान का चिंतन करो, पूजा पाठ की। और मुरली मनोहर ने कहा ब्राह्मण देवता, मेरी पत्नी ने भोजन रख दिया है, आप भोजन पाए। जैसे भोजन परोसा, सुदामा को याद आई, मैं अपने घर में अपने बच्चों को अपनी पत्नियों को भूखा छोड़ करके आया हूं। जब बच्चे कुछ नहीं खाएंगे तब मैं कैसे खा सकता हूँ। जिसके बच्चे भूखे बैठे हों वो छोड़ करके आया हो और रास्ते में उसे कुछ मिले वो कैसे खा सकता है। सुदामा ने भोजन को हटा दिया। मुरली मनोहर ने कहा क्या हुआ ब्राह्मण देवता, कहा मुझे भूख नहीं है। भगवान सब समझ गए, उन्होंने सामने साहब बनकर के वहां जनकपुरी बिंदापुरी चारों दस कोस तक कहा सांवले साहब के होता हुआ है, सब जगह सदावत भंडारा बंटवाओ। घर घर जाकर के सबके भंडारा बंटवाया। वहां से भगवान स्वयं स्वरूप में आए और निकले। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता कहाँ से आ रहे हो,
कहा मैं बिंदापुरी से आया हूँ, उधर दस दस कोस तक गांवों में अन्न क्षेत्र चल रहा है, सदावत बट रहे हैं, सबके घर घर जाकर के सबको भोजन मिल रहा है भरपूर, परंतु आज एक गांव में बस एक ही आदमी नहीं है और सब ने प्रसादी पाई। सुदामा ने कहा कौन नहीं है? कहीं एक सुदामा नाम का ब्राह्मण नहीं है, वो द्वारका गया है, इसलिए उनके घर सभी बच्चों को भोजन मिला। सुदामा को पता लगा कि मेरे बच्चों ने भोजन पा लिया, तब सुदामा ने भी भोजन पाया और उस रात्रि में विश्राम किया। भगवान ने विचार किया ऐसे तो बहुत लंबा समय लगेगा, श्याम सुंदर ने सुदामा को द्वारका के नजदीक पहुंचा दिया और जैसे ही सवेरे हुआ देखा तो सामने द्वारका देखी, महलों को देखा। सुदामा ने विचार किया हे भगवान हम तो जंगल में सोए रहे थे, अब मैं जगाऊं तुझे महल। धीति जग चौनी गई देखत सुवन मई एक सरी सई का द्वारका की भोन है, पूछ भी न को काऊ से न करत बात, देवता से थारे सब सारी सादी कौन है। देखा धीत जग चौन गई देखत सुवन मई, सोने के महल बने हैं, सुदामा विचार करने लगा मैं जंगल में सोया था, मेरे साथ में मुरली मनोहर भी था। ए ये फोड़ी फोड़ी बात कर रहा है बोलो ए नरेगा सभी बच्चों से निवेदन है कि फोटो को बहुत बार बंद कर रहे हैं, किसी का फोटो नहीं लेंगे और सुदामा जी जा रहे हैं, सभी माता बहनों से निवेदन है कि जो भी चावल चना पैसों की भेंट करे वो कमंडल में रखे, भिकमा कुछ चीज नहीं बैठे और सुदामा जी सबके जब घूमेंगे भैया। जब जैसे सुदामा ने कहा मैं जंगल में सोया था अब मैं जगा हूं तो मेरे सामने ये महल है सोने के, और सुदामा अपने मन में दुखी होने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जंगल में सो गया और रात्रि में मुझे किसी जानवरों ने खा लिया हो और मैं मरकर के स्वर्ग में आ गया हूं, इसलिए यहां मैं स्वर्ग में आ गया। तब तक कोई निकला और सुदामा ने बुलाया अरे भैया इधर को आना। आए क्या बात है भैया ये बताओ पहले तो कि हम जिंदे हैं कि मरे हैं, हाँ ये तो पतो लगे कि हम जिंदे हैं कि मरे हैं, अगर मरे हो तो स्वर्ग में कोई जिंदे हो तो कोई पता नहीं, हम तो जंगल में सोए रहे और सवेरे जब रात खुली तो झे आ गए अच्छी अच्छी महल बनी, ये कैसे हुआ कोई सपनों तो ना देख रहे कहू तो मरकर बैकुंठ में तो ना आएगी स्वर्ग में तो ना आएगी। उसने कहा ये कैसा आदमी पागल है ये पूछ रहा है कि हम जिंदे हैं कि मरे। दूसरा आया उसने कहा उसको बुलाया और कहा भैया इधर आओ हमें एक बात बताओ हम जिंदे के मरे। उसने कहा तुम जिंदे हो मरे नहीं हो, अच्छा हम जिंदे हैं तो आप ये बताओ कि हम सोए रहे हैं कि जगे रहे हैं। कहूँ ऐसा है को जब सोए रहे हो सपनों देख रहे हो सपने में देख रहे हो ये महल दीवार। तब कहा तुम सो नहीं रहे जग रहे हैं। जग रहा हूँ हाँ तो विचार किया मैं जंगल में सोया था जब जगाऊ तो यहाँ आ गया ये कैसे आ गया और मैं सपना देख नहीं रहा हूँ तो ये हकीकत है। हाँ हकीकत है। तब कहा भैया तुझे तो क्या है? उन्होंने कहा ये द्वारका छे। सुदामा रोने लगा मैं एक द्वारका समझता था ये कह रहा है द्वारका छे। उन्होंने कहा द्वारका एक ही है यही द्वारका यहाँ की भाषा है द्वारका छे। सुदामा कहने लगा मैं ये तो कहते थे कि नगरी बहुत दूर है, मैं भी सोच रहा था कि भगवान की नगरी बहुत दूर बताते हैं कैसे आऊंगा।
कैसे आऊं मैं कन्हई, ओ कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, रात को माँ का ना डर मोए लागे, रात को माँ का ना डर मोए लागे, डर मोए लागे प्यारे डर मोए लागे, दिन को आओ तो प्यारे, दिन को आओ तो भोले जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, वो कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, लाज मोहे आवे, लाला लाज मोहे आवे, लाज मोहे आवे, लाला लाज मोहे आवे, सखी संगियां कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं तो लाला, कैसे आऊं मैं तो लाला, तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मैं तो सोच रहा था कि कहीं दूर नगरी है, फिर जल्दी कैसे आ गया। जाओ, उन्होंने सुना कि द्वारका है, तब सुदामा कहने लगा, अरे भैया ये द्वारका है तो हमारा कन्हैया कहाँ रहता है, हमारा कन्हैया किधर रहता है। कहने लगे, खेता में रहते रे मेरो श्याम समरिया, तुम्हें रहते रे और सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि राधा जी और कृष्ण जी आ रहे हैं, कोई भगवान से फोटो नहीं खींचेगा। तुम मेरे तो हरे
मेरो यार सुधामा दिता में Thank you.
कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो किधर पे सुधा करीब आ गया है किधर पे सुधा करीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहां से भटकते भटकते न जाने तुम्हारी मेहर के करीब आ गया है तुम्हारी मेहर के करीब आ गया मेहमान कैसा अजीबा गया